हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तोशीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है स्किन केयर से रिलेटेड। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सभी को स्किन प्रॉब्लम हो रही है। किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को टैनिंग हो रही है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज हो रही है। आप कहीं बाहर जाते हो तो स्किन टैन हो जाती है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तुसीज बज, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है आपकी स्किन के लिए। मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को आपको बताने वाली हूँ जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि मार्केट में अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, अगर आप पार्लर जा रहे हैं, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, आप पार्लर जा रहे हो, तो सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो केमिकल वाले हैं और केमिकल आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। रिसेंटली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी हो गई है, ग्लो कर रही है, लेकिन वो धीरे 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 क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं उनका असर जो होता है वो बाद में आता है, तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी भी पार्लर वाले ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो सारे बेकार होते हैं। मैंने आज तक अपनी स्किन पर कभी भी ब्लीच यूज़ नहीं किया है क्योंकि आजकल क्या है कि लोग ब्लीच तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि मतलब ब्लीच से जो हमारे स्किन के जो हेयर हैं वो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जब हेयर का कलर चेंज हो सकता है तो आप खुद सोचिए आपकी स्किन का क्या हाल होगा। तो मैंने आज तक ब्लीच यूज़ नहीं की है और मुझे कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ब्लीच यूज़ करनी चाहिए, या मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन के लिए ऑर्गेनिक और होम मेड प्रोडक्ट ही यूज करूँ। मैं केमिकल वाले प्रोडक्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी स्किन पर पिंपल्स हो रहे हैं और आपकी स्किन जो है वो टैन हो गई है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए जिससे आपकी टैनिंग चली जाएगी, आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी, ग्लो करेगी, और आपके अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट से मैंने लिए हैं सीट मास्क। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं 100% ऑर्गेनिक होते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्किन विटैलिटी रोज फेस मास्क। ये वाला जो सीट मास्क है इसमें आपको रोज़ के इंग्रेडिएंट मिलेंगे। फ्रेग्रेंस इसकी रोज़ वाली होगी, जैसे आपको रोज़ वाटर आप लगाते हैं आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से उसे टोन कर सकते हैं आप रोज़ वाटर से। उसी तरह से ये जो सीट मास्क है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करेगा और आपकी जो स्किन है बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगी। यार, आप कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप आधा घंटे पहले से यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन है बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। तो ये वाला जो सीट मास्क है इसकी जो MRP है वो है 125 रुपीज़। तो MRP कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर आप इसका जो ग्लो है वो देखेंगे तो आपको 125 कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि आप फेशियल कराते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है और पैसे भी आपके अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को ग्लो भी मिल जाए और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो और टाइम भी बचे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। आप सीट मास्क यूज कर सकते हैं। जब आप यूज़ करेंगे तब आपको खुद से पता चलेगा कि सीट मास्क कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आपको पता ही नहीं होगा सीट मास्क से ग्लो कैसा आता है या किस तरह से ये वर्क करता है। मुझे सच में सीट मास्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इससे आपके पैसे भी बचते हैं और आपका टाइम भी बचता है और आपकी जो स्किन है उसको बिल्कुल फेशियल जैसा ही ग्लो मिलता है। तो डेफिनेटली आप सीट मास्क यूज कर सकते हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो यहाँ पर पूरा मेंशन है, आप देख सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट है इसमें है ऑर्गेनिक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा जो एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया वो भी ऑर्गेनिक वाला ही यूज किया गया है। ऑर्गेनिक ओटमील एक्सट्रैक्ट, ओटमील इसमें यूज किया गया है वो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक योगर्ट, इसमें योगर्ट का भी यूज किया गया है और रोज फ्रेग्रेंस का इसमें यूज किया गया है। जो प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किए गए हैं वो भी सर्टिफाइड हैं और इसमें सीरम बेस यूज किया गया है। सीरम हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है आप
जानते ही होंगे कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो शीट मास्क में बस वो सीरम यूज किया जाता है और आपकी स्किन पर ये 15 से 20 मिनट आपको अप्लाई करना होता है, तो आपकी जो स्किन है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है, तो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। और मैं आपको साइड में वीडियो लगा दूंगी कि आपको किस तरह से इसे यूज करना है। तो सेकंड जो शीट मास्क है वो है ब्राइटनिंग सीरम मास्क। इसमें मलबेरी और रोज है, और ये वाला जो शीट मास्क है इसमें विटामिन सी है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइटन अप करता है, काफी आपकी स्किन को बहुत अच्छा वाला ग्लो देता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो MRP है वो है 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा फेशियल वाला ग्लो इसी से मिल सकता है, बाकी तो किसी फेशियल से मिल नहीं सकता, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, 100% ऑर्गेनिक है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। इसमें सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट मोस्टली सभी को सूट कर जाते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो है एक्वा मलबेरी एक्सट्रैक्ट, रोज एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड विटामिन सी और ऑर्गेनिक ग्लिसरीन, सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस का यूज किया गया है। और ये वाला जो शीट मास्क है वो हमारी स्किन को यंगर लुक देता है और हमारी जो डल स्किन हो जाती है उसे काफी इम्प्रूव करता है। और डिहाइड्रेटेड स्किन है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है शीट मास्क यूज करने से, तो डेफिनेटली आप इसे। ये वाला जो शीट मास्क है वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, जिन्हें एक्ने की और पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वो इन्हें यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्किन है वो मैटिफाई हो जाएगी और डीप क्लीन आपकी स्किन हो जाएगी। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो है एक्वा ऑर्गेनिक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट। इसे मैं यूज कर चुकी हूँ, वीडियो आपको साइड में देख रहे होंगे किस तरह से आपको यूज करना है। बस आपको यहाँ से इसे ओपन करना है, इसमें आपको मास्क मिलेगा, उसे आपको निकालना है, अपने फेस पर से अप्लाई करना है अच्छे से, और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट उसे रहने देना है, जिससे कि आपकी स्किन उसे ऑब्जर्व कर ले, उसके सीरम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद आपको उसे हटाना है एंड देन आपको मसाज करनी है अपनी स्किन की। जो सीरम रह जाता है उसे आपको वेस्ट नहीं करना होता है, उसे आप निकाल के उससे आप मसाज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, तो काफ़ी अच्छा आपको ग्लो मिलेगा। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैटिफाई हो गई। इसे लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा वो मेरा इस तरह का रहा कि शीट मास्क लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट रखना होता है, उसके बाद आपको किस तरह का फील होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कोई भी फेस पैक यूज करते हैं, तो फेस पैक जब आप लगा लेते हैं तो थोड़ी सी आपको इचिंग सी महसूस होती है, क्योंकि इसमें थोड़े से मतलब जो इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, तो थोड़ी सी इचिंग से आपको लगती है, तो बस वही आपको लगती है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल मतलब फेस मास्क जैसी ही फीलिंग आती है, जैसे फेस पैक आप लगाते हैं तो थोड़ी सी इचिंग महसूस होती है, वही लगता है। जब आप इसे हटाएंगे तो कुछ भी नहीं था फेस पे, बाकी बिल्कुल क्लियर ही निकला, बाकी कोई रेडनेस वगैरह ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहा। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी स्किन की केयर समर के लिए चाहते हैं तो आप मंथ में एक बार आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे जो ग्लो है वो बिल्कुल फेशियल जैसा आता है, और इससे टाइम और पैसे दोनों की ही बचत होती है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इन प्रोडक्ट को एक बार यूज करके देखिए, तो आपको पता चलेगा किस तरह के हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने ये प्रोडक्ट अपने लिए मंगाई थी, क्योंकि मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, तो ये ऑर्गेनिक थे तो इसलिए मैंने इन्हें यूज किया। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दोनों अभी पैक हैं, ये मैंने यूज नहीं किए हैं, तो आप कहेंगे आपको कैसे पता इनसे ग्लो आता है, क्योंकि मैं इन्हें पहले यूज कर चुकी हूँ, वीडियो मैं काफी टाइम बाद बना रही हूँ। मैं तीनों को एक एक बार और भी यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वाला जो है मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं इसे मंथ में एक बार यूज कर लेती हूँ, तो मैंने अभी इसे यूज किया, इसका वीडियो आप साइड में देख पा रहे होंगे। और बाकी जो ये दोनों हैं इन दोनों को भी मैं यूज कर चुकी हूँ, और आपको काफी सारी वैरायटी इनमें मिल जाएगी, तो जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।